आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या यही सब कुकिंग क्लीनिंग ये सारे काम? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हाथ ही चलाने होते हैं ना। और आप ये सब कैसे कर लेती हैं? ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी, इस पे कौन सी मुश्किल बात है, सिर्फ दिमाग ही तो चलाना होता है। एग्जैक्टली, इंसान अपने अपने डोमेन में तो कंफर्टेबल होकर काम करता ही है, लेकिन मजा तब है जब इंसान अपने कंफर्ट से निकलकर अपनी सलाहियतों को जज करे। आपके कहने का मतलब है कि मैं अपना एमफिल छोड़ के कुकिंग क्लासेस लेने लग जाऊं? नहीं नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा था कि मुझे अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए ना, क्या कहती हो? वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है, आई कैन हेल्प यू। हां रियली? हां क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजी होगी ना, तुम्हारा थीसिस वगैरह चल रहा होगा। वो तो आई कैन मैनेज। अच्छा बस ठीक है, डन है फिर। अपने सब्जेक्ट के बारे में बताओ ना। चलो सफी अल्लाह, अपना सेल फोन टूटने के गम में एक सैड वीडियो हो जाए। ये लीजिए, आपकी अच्छी सी चाय अब तैयार है। अब आप ये ट्रे लेके जाएं लाउंज में, मेरी और आपकी अम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं लेके जा रही, लगेगा कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। तो इसमें शक की कौन सी बात है, देखने तो आए हैं जी। मेरा मतलब आपके आपके जख्म को देखने आए ना, और मरहम भी लगाने आए हैं। ओह हां, थैंक यू, आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट, बस सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ है। मैंने रोका भी था, लेकिन वो आदम को गिफ्ट देने वाली बात, आई न्यू इट। मुझे पता आपने मना भी किया होगा, और फिर नेहा ने आपको खरी खरी सुनाई भी होंगी, है ना? Exactly, same to same ऐसे ही हुआ था। वैसे psychology मैं पढ़ी, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चाय ठंडी हो रही है। मुझे तो डांट पड़वानी है क्या फिर से? भारी आराम से। तुम्हें तुम्हारे बाप ने भेजा है मेरे पास अपनी सफाई पेश करने की। नहीं सर, मेरे तो बाप के बाप को भी नहीं पता इस बात का, हालांकि दद्दू मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आई मीन सर, अगर अब्बा को पता चल गया इस बात का तो वो कंफर्म मेरी टांगे तोड़ देंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी। कैसी रिक्वेस्ट? सर अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो आप अभी इसी वक्त मुझसे सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल सर, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ अब्बा की तरह। यही तो प्रॉब्लम है। तुम अगर कैंपस में अपने बाप के नाम की गर्दान करना छोड़ दो तो स्टूडेंट्स के दिल में भी ये शुभात नहीं आएंगे। सर अगर अब्बा ना भी कहूँ तब भी प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का नाम मेरे वल्दियत खाने में ही रहेगा।